इंडिया में जैसा हम सबको पता है किया कंपनी की अभी तो फिलहाल 3 गाड़ियां हैं, तो आज मैं आपको किया कंपनी की इन तीनों गाड़ियों के राइवल बताऊंगा जो इनकी टक्कर की कारें हैं वो कौन कौन सी हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। पहले हम बात करते हैं सोनेट के बारे में जो कि किया कंपनी की सस्ती कार है। सोनेट की जो टक्कर की कार है वेन्यू और टाटा की नेक्सोन है। इन तीनों गाड़ियों की लुकिंग के बारे में बात करें, सबसे बेहतरीन ओवरऑल लुकिंग जो है वो टाटा नेक्सोन की है फ्रंट की, लेकिन अगर हम पीछे की बात करें रियर की तो वो सोनेट की है सबसे बेहतरीन लुकिंग। वैसे वेन्यू की लुकिंग भी काफ़ी अच्छी है। इंजन के बारे में बात करते हैं, वेन्यू और सोनेट में आपको 3 इंजनों का ऑप्शन मिलता है जबकि नेक्सोन में 2 इंजनों का। वेन्यू और सोनेट में आपको नॉर्मल, दूसरा टर्बो पेट्रोल इंजन, तीसरा डीजल का। सोनेट में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क। दूसरा वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 83 PS की पावर, 115 Nm का टॉर्क। और तीसरा डीजल का 1500 CC का 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 115 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क। और अब बात करते हैं वेन्यू के इंजन के बारे में। वेन्यू में बिल्कुल सेम इंजन यही मिलते हैं सोनेट वाले, एक तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इतनी पावर और दूसरा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जैसा आप देख सकते हैं इतनी पावर जितनी सोनेट में मिलती है। तीसरा डीजल का, इसकी भी इतनी ही पावर है। अब बात करते हैं टाटा नेक्सोन की। इसमें इंजन अलग मिलते हैं, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, 120 PS की पावर, 170 Nm का टॉर्क। दूसरे वाले डीजल इंजन मिलता है 1.5 लीटर जो कि 110 PS की पावर, 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंटीरियर, इन तीनों गाड़ियों में सबसे बेहतरीन इंटीरियर सोनेट का लग रहा है। इसमें आपको UVO कनेक्टेड कारटेक वायरलेस चार्जिंग सनरूफ, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर भी मिलता है। फिर हुंडई वेन्यू का इंटीरियर है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट, स्टॉप बटन, 8 इंच टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ। फिर नेक्सोन का जो कि 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ क्रूज कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। अब बात करते हैं गाड़ी की कीमत के बारे में। इन तीनों गाड़ियों में जो सस्ती कार है वो सोनेट है, जिसकी कीमत 6,79,000 से लेकर 13,35,000 तक। फिर वेन्यू आती है जिसकी कीमत 6,92,000 से 11,78,000 तक। और इनमें जो महंगी कार है वो नेक्सोन है जो कि 7,19,000 से लेकर 12,95,000 तक। फिर आइए दूसरे नंबर पर सेल्टोस कार। इसकी टक्कर की क्रेटा और कुशाक है। सेल्टोस और क्रेटा दोनों ही काफ़ी टाइम से राइवल हैं एक दूसरे की और पॉपुलर भी, लेकिन क्रेटा की सेल्स ज़्यादा होती है सेल्टोस से। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इन दोनों गाड़ियों का न्यू राइवल लॉन्च हुआ है जो कि कुशाक है। इन तीनों गाड़ियों में फ्रंट की लुक में सबसे बेहतरीन एस्कोडा की ये कार है और रियर की बेहतरीन लुकिंग है क्रेटा की। साइड की लुकिंग सेल्टोस की काफ़ी अच्छी है। इंजन की बात करें तो सेल्टोस और क्रेटा में 3 इंजनों का ऑप्शन और सेम इंजन मिलते हैं जबकि कुशाक में 2 इंजनों का ऑप्शन। क्रेटा और सेल्टोस में एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन, दूसरा टर्बो पेट्रोल इंजन, तीसरा डीजल का, जबकि कुशाक में 2 टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, डीजल का नहीं मिलता इसमें। सेल्टोस में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 140 PS की पावर, 242 Nm का टॉर्क। फिर मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 115 PS की पावर, 144 Nm का टॉर्क। तीसरा डीजल का 1500 CC में ही 1.5 लीटर, 115 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क। क्रेटा में बिल्कुल यही सेम इंजन मिलते हैं इतनी पावर के साथ, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, तीसरा डीजल का 1.5 लीटर। और अब बात करते हैं एस्कोडा की इसी गाड़ी के बारे में। इसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि 115 PS की पावर, 178 Nm का टॉर्क। और दूसरा इंजन इसमें मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि 150 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें इंजन अलग मिलते हैं। इंटीरियर के बारे में बात करें, इन तीनों गाड़ियों में सबसे बेहतरीन इंटीरियर स्कोडा की कुशाक का है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, कनेक्टेड कारटेक। फिर आइए सेल्टोस, इसमें भी 10.25 इंच की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर, एम्बिएंट लाइटनिंग, 8 इंच हेड अप डिस्प्ले
और क्रेटा में 7 इंच सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है और 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम विद कनेक्टेड कार टैग। वैसे तीनों गाड़ियों का इंटीरियर ही काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया इस टाइम एस्कोडा की कोशाक का लग रहा है। प्राइस इन तीनों गाड़ियों में जो अफोर्डेबल सबसे सस्ती है वो 9,95,000 से लेकर 17,65,000 तक, वो है सेल्टोस। फिर आइए क्रेटा आती है जिसकी कीमत 9,99,000 से लेकर 17,70,000 तक, और सबसे महंगी है स्कोडा की कोशैक, इसकी कीमत जो है 10,49,000 से लेकर 17,59,000 तक। फिर आइए लास्ट कार की एक कंपनी की कार्निवल, इसकी जो टक्कर की कार है वो वेलफायर और इनोवा क्रिस्टा है। इन तीनों गाड़ियों की फ्रंट की बात करें सबसे बेहतरीन लुकिंग वेलफायर की है, क्योंकि इसकी फ्रंट हेडलाइट्स ड्यूल स्प्लिट में है जो कि काफ़ी शानदार है। इनोवा क्रिस्टा की लुकिंग भी काफ़ी अच्छी है और पॉपुलर कार है, इसके फ्रंट में काफ़ी बेहतरीन क्रोम ग्रिल मिलती है। रियर लुक की बात करें वेलफायर की लुकिंग काफ़ी अच्छी है, बैकलाइट भी काफ़ी शानदार है, और साइड की लुकिंग के बारे में बात करें वो इनोवा क्रिस्टा की है। कुल मिला के कार्निवल भी काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन लुकिंग के बारे में इनोवा और वेलफायर ले गई। इंजन किया कार्निवल में सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, इनोवा क्रिस्टा में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन, और वेलफायर में सिर्फ पेट्रोल इंजन। कार्निवल में 2200cc वाला 2.2 लीटर डीजल इंजन जो कि 200 PS की पावर 440 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इनोवा क्रिस्टा में 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन 166 PS की पावर 245 Nm का टॉर्क। दूसरा मिलता है 2.4 लीटर डीजल इंजन जो कि 150 PS की पावर 360 Nm का टॉर्क, और वेलफायर में 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है जो कि 180 PS की पावर 235 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में सबसे बेहतरीन लुकिंग किया कार्निवल की है। इन तीनों गाड़ियों में सिर्फ किया कार्निवल एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको 7, 8 और 9 सीटिंग कैपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, जबकि क्रिस्टा में 7 और 8 का मिलता है। वेलफायर सिर्फ 7 सीटर ही है। गाड़ियों में जो कम्फर्ट मिलता है वो तीनों गाड़ियों में है, लेकिन ज़्यादा कम्फर्ट जो है वो वेलफायर में है। वेलफायर महंगी भी तो गाड़ी है, कार्निवल में भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है। इनोवा क्रिस्टा भी काफ़ी बेहतरीन रीसेल वैल्यू वाली गाड़ी है। कार्निवल में आपको 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल पैनल सनरूफ, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.1 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले फॉर मिडिल रो। इनोवा क्रिस्टा में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट एम्बिएंट लाइटनिंग मिलती है। वेलफायर में वेंटिलेटेड मेमोरी सीट विद एन ऑटोमैन फुल रिसाइक्लाइन फंक्शन, ट्विन सनरूफ, सनशेड्स, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और आपको बता दें वेलफायर में 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है। फिर प्राइस इन तीनों गाड़ियों में जो सस्ती गाड़ी वो इनोवा क्रिस्टा है और सबसे महंगी वेलफायर है। कार्निवल की जो कीमत है 24,95,000 से, क्रिस्टा की 16,52,000 से, और वेलफायर की 89,90,000 से शुरू होती है। तो मैंने आपको तीन गाड़ियों के बारे में बताया है कि यह कंपनी की और इसकी टक्कर की कारें भी बताई है।